आजा पुत्री आजा। रस्तम बेटा खड़े क्यों हो? अपने होने वाले ससुर को सलाम करो, और वो पीछे तुम्हारा ब्रदर इन ला भी खड़ा है। आगे बढ़कर गले मिलो अपने साले साहब से। बस एक लफ्ज भी और बोला ना, जबान निकाल के गर्दन पे घुमा दूंगा और यहीं खोल दूंगा सारे अखाड़े। ठीक है, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। यही लड़का मिला था तुझे अपनी बहन के रिश्ते के लिए? मेहमान आ गए, चाय बन गई तो मैं लेकर जाऊं। कैसी लग रही हूं मैं? तुम जानती हो तुम्हारा शहरी मिर्जा किसका बेटा? हमारे घर रिश्ता लीक। कौन आया है? क्या कह रही हो हाजरा? चौधरी रियासत अली का बेटा, मेरे सुल्तान का कातिल तुम्हारा रुस्तम। चौधरी रियासत का बेटा है रेशमा। तो कैसी लग रही हो तुम? क्या सीन था यार, उसकी शक्ल देखने वाली थी। ब्रो ऑफ ऑल द पीपल तू ये हरकत करेगा, तू इस लेवल तक लेके जाएगा बात को, मैं मेरे यकीन में नहीं आ रहा था ब्रो। एंड फिर उस दिलशेर को तो चेक कर यार, अपनी बहन के साथ कौन ये करता है? उफ। तुझे पता है तुझे सीन का कितना फायदा हुआ? क्या मतलब? मतलब देखना, रेशमा की तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके सामने तो तू हीरो बन गया, क्योंकि तूने उसके घर रिश्ता भेजा है भाई। इफ शी हैज एनीवन टू ब्लेम तो उसके घर वाले होंगे। तू तेरा रिश्ता रिजेक्ट किया यार, व्हाट वर दे थिंकिंग? सीरियसली ये दिलशेर ना अपने घर में सड़ता मरता रहेगा, और तब तक मैं यहाँ सितारा को अपने नाम की रिंग पहनाऊं। ब्रो यकीन कर वो पागल हो जाएगा, पागल अपने घर में। हाँ ब्रो आ रहा रे, रुस्तम रियासत अली के साथ उलझने का यही अंजाम होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में आके हमारे से मंगा कर रहे ब्रो। छोड़ यार, दिलशेर की बातें ना कर मेरे साथ। ओ क्या बताऊं मैरन निजा, ओ मुझे अपनी दहलीज पे खड़ा देख के आकम का चेहरा यूं वो इतना सा हो गया था। और यूं मालूम होता था कि इतने बड़े पहलवान की बूथी निकल आई है। ओ आकम की बेटी को मोहब्बत भी हुई तो किससे? हमारे रस्तम से। आप अभी भी नहीं समझ रहे चौधरी साहब, कहां इतना बड़ा शहर के साथ साथ बने घरों में बसते लोग भी एक दूसरे से अजनबी हैं, और आप हाकिम पहलवान की दहलीज पे जा पहुंचे। सुल्तान की मौत आपका पीछा कर रही है चौधरी साहब। Thank you.
पापा जी, आज जो हुआ सो हुआ, इसमें किसकी कितनी गलती कितना कसूर था इस पर बात नहीं करना चाहता मैं। अब आगे क्या करना है सिर्फ उस पे बात करना चाहता हूं। मैंने अपना सुल्तान गंवाया, उसकी मां उसके गम में खुल खुल कर मर गई, हाजरा भरी जवानी में बेवा हो गई। मैंने अपना घर बार, अपना कारोबार, अपना गांव शहर सब कुछ छोड़ दिया, तुम सबको लेकर यहां आ गया। और यहां आकर क्या किया मैंने? जूतों की दुकान, पैरों में बैठा लोगों के, अपने हाथों से उनके पैरों में जूते पहनाए हैं मैंने, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी किस्म का झगड़ा लड़ाई फसाद, तकदीर को कुछ और मंजूर है, इसीलिए उसने चौधरी रियासत को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया एक बार फिर। अब वापसी पुस्तली है, अब लड़ना होगा, अब मुकाबला करना होगा। दुश्मन जब चल कर घर तक आ जाए तो मुकाबला फर्ज हो जाता है। तू इंतकाम लेगा अपने भाई का, मेरा पुत्र इंतकाम लेगा, मेरा शेर पुत्र। रब ने दीदे दिए हुए हैं तो वेख के टोर। सॉरी पहलवान जी, आइंदा देख कर चलूंगा। ना पुत्र, देखना है तो फिर चलना नहीं, रुक के पहले सलाम करना है, सलूट मारना है, फिर टुरना है। आई समझ? समझ गया पहलवान जी। चल फिर ठोक सलूट। चल मेरा पुत्र, चल पितर हो, चल। अचानक तुम बाप बेटे को क्या हो गया? कल तक सबसे झुककर मिलने वाले, सबको सलाम करने वाले हाकिम पहलवान आज राह चलते लोगों से सलूटे करवा रहे हैं, और तुमने तो अहद किया था कि यहां नहीं आओगे, पर ये सुबह सुबह यहां के ये सब क्या हो रहा है? एक रात के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि तू दिल शेर से जंगली शेर बन गया? रात को किसी गिद्दड़ ने दरवाजा बजाया था मेरा, याद दिलाया उसने मुझे, कहता है शेर अगर शिकार करना छोड़ देगा तो खाएगा क्या। दस मरले का प्लाट है जी, शेख यूसुफ के नाम की रजिस्ट्री भी मौजूद है, पर अच्छा मलक कब्जा करके बैठा हुआ है। शेख यूसुफ कौन है? मैं हूं जी बजादे खुद, शेख यूसुफ वल शेख अलाउद्दीन। असल रजिस्ट्री भिजवा देना, प्लाट समझो हो गया, और दस मरले के हिसाब से जो मेरा हिस्सा बनता है उसका स्टाम अलग से भेज देना, उसके लिए मुझे दोबारा जहमत न करनी पड़े। किस तरह की बातें कर रहे हैं पहलवान जी, आपका हिस्सा आपको पहुंच जाएगा, बस आप अच्छे मलक को संभाल लेना,
मैं रजिस्ट्री भिजवाता हूँ। तगड़ा हाथ ला है। आज भी यूनिवर्सिटी जा रही हो? क्यों, आज संडे है क्या? मुझे तो लगा कभी नहीं जाओगी, दो चार हफ्ते की छुट्टी कर लोगी, हमारी जिल्लत पे ना सही लेकिन अपनी टूटी मोहब्बत का शोक मना रही होगी। मेरा दिल कब टूटा हाजरा? रुस्तम ने ना तो बेवफाई किया ना धोखा दिया, मेरा ख्वाब टूटा हाजरा और आज अपना ख्वाब ही जोड़ने जा रही हूँ। कैसे जुड़ेगा तुम्हारा इतना सुनहरा ख्वाब? मैं रुस्तम से कहूंगी कि वो अपने डैड से कहे कि अब्बा जी से माफी मांग ले। और इससे क्या होगा? इससे हमारे बीच सुलह हो जाएगी, और अगर एक बार सुलह हो गई तो हमारा रिश्ता भी हो जाएगा। वाह रेशमा बीवी वाह, पूरी सेटिंग की हुई है। बेखबर लड़की, तुम तो ख्वाब देख रही थी, अब होश में आ जाओ, क्योंकि पहली बात वो लोग माफी नहीं मांगेंगे, अगर वो माफी मांगेंगे तो वो मुजरिम बन जाएंगे, दूसरी बात अब्बा जी ऐसा होने नहीं देंगे, और चलो मान लिया कि अब्बा जी ने अपनी बेटी की मूज और मोहब्बत पे दिल बड़ा करके हार मान ली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब सुल्तान के साथ नाइंसाफी हो रही थी तो मैं उसकी बीवी थी, और मेरी माफी के बगैर सुलह नहीं हो सकती, और मैं इंतकाम लेते रहूंगी। समझ गई हो तुम? तो ये है असल कहानी, इसलिए आए हो तुम अपना शहर छोड़कर यहां हो, लेकिन दिलशेर तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से क्या होगा? तुम्हारी मोहब्बत तो हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाएगी। चलो मान लिया कि तुम रिंग में उतरे, तुमने फाइट की, रियासत के बेटे को शिकस्त भी दे दी, चैंपियनशिप जीत लिया और उसका टाइटल भी ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सितारा की मोहब्बत तो तुम हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तो क्या करूं फिर मैं? चुपचाप तमाशाइयों की तरह अपने घर वालों के साथ होती ज्यादतियों का तमाशा देखूं फिर मैं? मेरे बाप ने सच्चाई और लगन के साथ सारी जिंदगी पहलवानी की, क्या मिला उसे? जवान बेटे की लाश। मैंने सितारा को दिलो जान से चाह, क्या मिला मुझे? उस लौंडे ने उसका बदला मेरी बहन से लिया, उसके जज्बात के साथ खेल के, और वो सितारा का बाप शाहनवाज सारी दुनिया फिरता है पर समझ नहीं आया उसको कि मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं है, किसी फायजा का दिल किसी अशरफ पे भी आ सकता है। ऑफिस डैड। सितारा जी, मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से मना किया है, तुम फिर चल पड़ी। जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। जहां तक मुझे मालूम है डैड, तो दो मर्दों के दरमियान बात हुई है, और हमारी सोसाइटी का तो नॉर्म यही है।
कि एक बार मर्द जुबान दे दे तो किसी किस्म की रस्म की जरूरत नहीं रह जाती। वैसे भी आपका होने वाला दामाद मार्शल आर्ट चैंपियन है, वो लड़ लेगा, मर जाएगा, लेकिन मुझे दिलशेर से मिलने नहीं देगा। तो आप फिक्र ना करें। मैं देख रहा हूं कि तुम तमीज लिहाज सब भूलती जा रही हो, और इसकी वजह वो थर्ड क्लास लड़के की कंपनी है। ठीक है आपने डैड, वैसे भी देखा जाए तो ये सब कुछ किसी थर्ड क्लास मूवी से कम तो नहीं है। एक अनापरस बिजनेसमैन बाप जो अपनी इकलौती बेटी का हाथ किसी गुंडा सिफ्त बेटे के हाथ में दे देना चाहता है, उसकी रजामंदी भी नहीं पूछ रहा। आप परेशान ना हो, मैं पढ़ने ही जा रही हूं। बेखबर लड़की, तुम तो ख्वाब देख रही थी, अब होश में आ जाओ, क्योंकि पहली बात वो लोग माफी नहीं मांगेंगे, अगर वो माफी मांगेंगे तो वो मुजरिम बन जाएंगे, दूसरी बात अब्बा जी ऐसा होने नहीं देंगे, और चलो मान लिया कि अब्बा जी ने अपनी बेटी की मूज और मोहब्बत पे दिल बड़ा करके हार मान ली, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा पुत्र इंतकाम लेगा। अरे किधर रह गई हो रेशमा यार? आज आ भी जाओ ना यार। है तो ये बता ना रूसी, मेरा दिल करता है कि मैं उसकी सारी परेशानियां जिंदगी की दूर कर दूं। भाई तुझे पता ही है कि मुझे सोगवा लड़कियां कितनी प्यारी लगती हैं। तो क्यों मरा जा रहा है? आ जाएगी, मैं भी तो सितारा का वेट कर रहा हूं ना। हाँ तू क्यों मरेगा, तेरी तो लाइफ ही सेट है। एक लड़की आउट होती है, दूसरी लड़की इन हो जाती है। वैसे देख एक बार मुझे सच सच बताई, सीधी बात, नो बकवास, तुझे रेशमा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? मतलब तू सोच के मैं एक दिन यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ अपने टिपिकल बॉबी फैशन में, हैं? और मेरे पीछे से निकलती है छोटी सी प्यारी सी रेशमा, हम दोनों साथ में आ रहे हैं तुझसे मिलने, मैं तुझे झप्पी डालने लगा और तू आके फौरन मेरा मुंह ही तोड़ दो। देख भाई अभी बता दे कोई इशू है? दिमाग खराब है क्या तेरा? है मैं और रेशमा, अबे मुझे सिर्फ इंतकाम लेना था उस दिलशेर से। वो दिलशेर न जाने किस गली से निकला और उसने मेरी नाक के नीचे से सितारा को ले उड़ा। अगर इस गलती का सबक सिखाने के लिए मैंने 4 दिन के लिए रेशमा के साथ गुजार लिए तो प्रॉब्लम क्या है? जानता है मैं कौन? RRA चैंपियन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और वो देहात की रेशमा बीबी। अबे ओए ये बातें अपनी थोड़ी देख के बोला कर इतनी ऊंची, ये ना हो कि हमारी बातें कोई रेशमा तुम कब आई? अभी जब तुम दोनों अपनी खरी और सच्ची बातें कर रहे थे, मुझे और मेरे भाई को जलील कर रहे थे, मुझे लगा था कि तुम अपने बाप का खून होकर भी उस जितने घटिया नहीं होगे, तुम तो उससे बड़े कमीने निकले। क्या बकवास कर रही है? तो जानती है मैं कौन हूँ? RRA इस यूनिवर्सिटी का चैंपियन। अरे थूक फेंकती हूँ मैं तुम्हारे इस चैंपियनशिप पर। मर्द को हराने के लिए औरत का सहारा लेने वाले मर्द मर्द नहीं होते रुस्तम रियासत अली। क्या कहा? मैं दिखाऊं मर्द क्या होता है? क्या करें?
अबे ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग ठीक है? पूरी क्लास के आगे तू एक लड़की पे हाथ उठाने लगा था। आई नो बॉबी, आई नो। तूने देखा नहीं वो क्या बकवास पे बकवास किया जा रही है? मैं उसका मुंह बंद ना करूं। मेरे भाई मुझे पता है तू ठीक कह रहा है, लेकिन यहाँ पे तेरी रेपुटेशन एट स्टेक है। तू ऐसी हरकत नहीं कर सकता मेरे भाई, तू ऑफ ऑल द पीपल ही हरकत करेगा। देख ये लोग यूनिवर्सिटी के आस पास भी नहीं दिखते थे, अब देख कैसे जुबान चल रही है उसकी। मैं मुंह बंद ना करूं उसका। रिलैक्स कर। अच्छा रिलैक्स कर। देख हाथ मत लगा बॉबी अभी। अच्छा ठंडा तो थोड़ा सा तो रिलैक्स कर। क्या हो गया? हाँ सारा गुस्सा निकाल नहीं लिया तूने उस पे वहाँ पे? रिलैक्स इजी। हाथ मत लगा बॉबी। क्या करेगा मुझे मारेगा? चल मार आज बॉबी, मार मार। चल रहा कर, बैग्स लेके आ जाएगा। अरे आज वो दिलशेर नहीं आया? क्या हुआ? सुना है उसने रिश्ता भेजा था तुम्हारे घर? क्या हुआ, शाहनवाज अंकल ने हाँ कर दिया है? बेगानों की तरह मत देखो, ऐसा देख रहे हो जैसे जानती तक नहीं हो। मैं हूं आर आर ए। इस नाम का टैटू भी बनवाया था ना हाथ पे? प्रॉब्ली। कहाँ है टैटू? यहाँ था ना टैटू, कहाँ गया? नजर नहीं आ रहा। मेरी हिम्मत की दाद तो देनी होगी तुम्हें, मैंने फाइट भी नहीं छोड़ी और तुम्हें भी हासिल कर ली। क्या हासिल किया तुमने? बचपने में बनाया हुआ एक टैटू जो कि अब कहीं भी नहीं है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिलशेर का नाम मेरे दिल पे लिखा हुआ है। हिम्मत की दाद तो मैं तुम्हारी तब दूंगी जब तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगे, ये जानते हुए कि दिलशेर का नाम मेरी रग रग में शामिल है। हमारे एंगेजमेंट में इनवाइट तो करोगी ना उसे? तुम छोड़ो, मैं इनवाइट कर लेता हूँ, ठीक? श्योर। अरे रेशमा तुम इतनी, मुझे सिर्फ इंतकाम लेना था उस दिलशेर से। वो दिलशेर न जाने किस गली से निकला और उसने मेरी नाक के नीचे से सितारा खुले हुआ। अगर इस गलती का सबक सिखाने के लिए मैंने 4 दिन के लिए रेशमा के साथ गुजार लिए तो प्रॉब्लम क्या है? दर्द देने वालों के पास मरहम नहीं होता। दिलशेर और अब्बू जी घर पे नहीं है, मैं नीचे काम कर रही हूँ, जी भर के रो लो, मन हल्का हो जाए।
हेलो। हाँ चुपचाप नजर रख उस पर, उसको शक नहीं होना चाहिए कोई नजर रख रहा है उस पर। कल का दिन चौधरी रियासत के लिए बहुत भारी होगा। चल मैं फोन करता हूँ तुझे। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? काम से जा रहा हूँ। सुबह तक आ जा। सुबह तक? पूरी रात बाहर रहोगे? अब्बा जी को तुम्हारे जाने का पता है? नहीं उनको पता नहीं, आप बता देना। बस रेशमा को मत बताना, परेशान हो जाएगी। आता हूँ मैं। अब्बा जी ना जाने दिलशेर पता नहीं इस वक्त कहाँ चला गया है। वो कह रहा था कि उसकी सुबह वापसी होगी। मुझे उसके तेवर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आप उसे जाके समझाएं कहीं हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करते। फिक्र ना कर पुत्र, खामखा किसी से झगड़ा नहीं मोलेगा वो। उसी पे हाथ डालेगा, उसी को पकड़ेगा जिसे पकड़ना उस पर फर्ज होगा। फिक्र ना कर, कुछ नहीं होता उसे। किसे पकड़ेगा? रुस्तम को? मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने ये कब कहा है कि वो रुस्तम को जा दबोचेगा? वो उसे पकड़ेगा जो उसकी नजर में कसूरवार हो। अब देखते हैं उसकी नजर में पहला कसूरवार कौन है। तू जा मेरा पुत्र। फोन उठाओ। फोन उठाओ प्लीज। दिलशेर फोन उठाओ। क्या दिलशेर तू फोन ही नहीं उठा। मैं रुस्तम को कॉल करती हूँ, उसे कहती हूँ कि आज घर पर ही रहे, दोस्तों के साथ कहीं बाहर ना जाए। रुस्तम और दिलशेर का सामना ना, उन्हें इस खून रेजी से बचा ले। यार बॉब, कहा भी तो इस वक्त अंदरून पहुंच जाना, बट बॉब बीइंग बॉब। आप अभी भी नहीं समझ रहे चौधरी साहब, कहाँ इतना बड़ा शहर कि साथ साथ बने घरों में बसते लोग भी एक दूसरे से अजनबी हैं, और आप हाकिम पहलवान की दहलीज पे जा पहुंचे। सुल्तान की मौत आपका पीछा कर रही है चौधरी साहब। Thank you.
जवाब ही मौसूल नहीं हो रहा है। मार आए उसे? उसको मारना फर्ज हो गया था मुझ पे। क्या बात है चौधरी साहब, आज आप जल्दी उठकर कुछ बेचैन से लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? रस्तम रात से कार नहीं आया, वो फोन भी बंद जा रहा है उसका। किसी दोस्त की तरफ रुक गया होगा, वैसे भी अक्सर सुबह ही तो आता है वो। कौन सी नई बात? अकेला जो रहा है, ये आदतें तो होंगी ना उसमें। अब तुम अपना तो खड़ा शुरू कर लो। चोर साहब ये कोई दरवाजे पे देखिए। ये क्या है चौधरी साहब? आप तो बलवान के घर शगुन की मिठाई लेकर गए थे ना? उन्होंने तो बदले में अखाड़े की मट्टी भेज दी। जाइए, जाकर अपने बेटे को ले आइए, जाइए अब। ओ कौन से अस्पताल? ओ आ रहा हूं मैं। ओ मुझे पता ये सब हुआ की है, पूरी गलत। चौधरी साहब कल रात उस पे हमला हुआ है, वो दस्तगीर को हवेली से उठाकर अखाड़े में ले गया था और आपने देखा नहीं उसको कितने बुरे तरीके से मारा था, इतने जोर नहीं जितनी उसने चोटें दी है। मुझे लगता है जान से मारने के इरादे से आया था वो। ये क्या है अब्बा जी, यहाँ पे आप भी इसका साथ दे रहे हैं? वहाँ आपने दुकान खाली करवा के कब्जे छुड़वाने का अड्डा बना लिया और यहाँ ये मार कुटाई करता फिर रहा है। ये सब कुछ करने से क्या होगा? क्या सुल्तान भाई वापस आ जाएंगे इस दुनिया में? आप सब लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बाहर पुलिस आई है। घबरा मत दिलशेर, हवालात में तुम्हारे लिए खीर शक्कर की चूरी मैं लाया करूंगी। देखने जी इंस्पेक्टर साहब, वो तोड़ फोड़ की है उसने, वो दीवार फलांग के मेरी हवेली में घुसा है, मेरे मुलाजिम को गन पॉइंट पे अगवा किया है, पूरी रात तशद्दुद करता रहा है उस पर। चौधरी साहब नफरी भेजी है, आप जाए ले इसकी गुंडा कर दी हम निकालते हैं। चलो बोलो बच्चे, चलो आराम से छोड़, चलो आराम से करो, चलो। वो देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, और इस गुंडे बदमाश को कानून का भी कोई खौफ नहीं है। ओए आज शाम तक ये शेर चूहा बन जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए चौधरी साहब, और लेके जाओ इसे। चलो चलो इधर। और छोड़ें चौधरी साहब, आप चाय पिए, ठंडी हो रही है। तो आप पहुंचे हो तुम अपनी असल जगह पर।
तुम जैसे सर्कस के शेर पिंजरों ही में अच्छे लगते हैं। ना 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 ना, चौधरी रियासत तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। अपनी हद में रहोगे जिंदा रहोगे, वरना मेरी दुश्मनी से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हारे बड़े भाई साहब को पब्लिक प्लेस पर मारा था, और तुम ऐसे किसी वीराने में मरोगे। है तो ये फिल्मी सा डायलॉग, पर स्माइल प्लीज। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।